पे ओवर ब्रिज बना है। हाय एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स के ब्लॉगर में। आज हम आपको दिखाने आए हैं हडिया मार्केट। तो हम लोग हडिया मार्केट में इसमें पहुँच आए हैं, आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पर शायद मेला भी है दशमी, तो आपको दिखा दे रहे हैं। ये कटहरा जाने वाली रोड है, यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा। देवराज हॉस्पिटल ये है, पेट्रोल टंकी, हडिया पीजी कॉलेज देख सकते हैं आप लोग। धीरे धीरे मार्केट और ज़्यादा फैल रहा है। यहाँ पे दोस्तों पहुँचाए हैं लाल बहादुर शास्त्री सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, देख सकते हैं आप लोग, यही है वो आयुर्वेदिक विद्यालय है, महाविद्यालय। जो आईएएस से बीएमएस करना चाहता हो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकता है। अब पुल पे चढ़ने के लिए पहुँचने वाले हैं, आगे देख सकते हैं बासुपुर का तालाब है जो बहुत पुराना है, लगभग 500-600 साल पुराना तालाब है। आगे वो ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराना है, वो जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको ये तालाब। आगे चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं, अपने लेफ्ट राइट वाले पटरी पे पहुंच गए हैं तब आपको दिखाते हैं। तो हम लोग बासुपुर तालाब के पास पहुँच आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हैंडपम्प वगैरह लगा हुआ है, पंचायत भवन बना हुआ है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये मंदिर बहुत पुराना है। देखो अंदर से कवर करें तब देख सकते हैं ये मंदिर। ये बासुपुर तालाब है, आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल करीब से, देखिए जूम करके। इसमें पूरा कमल का फूल डाला गया है, बिल्कुल पूरे तालाब में कमल का फूल है। ये तालाब बिल्कुल करीब से देखिए आप, बहुत गहरा है, यहाँ इसमें का पानी कभी सूखता नहीं। ये काफ़ी पुराना लोग बताते हैं, लगभग 500-600 साल पुराना बताते हैं। ये भी कुछ प्रतीक है किसी चीज़ का, ये भी मंदिर और तालाब के जितना ही पुराना है। आगे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। तो चलिए दोस्तों आगे पुल पे चढ़ते हैं, चढ़ के हडिया मार्केट को दिखाते हैं।
लोग पुल पे चढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये बंद साफ बना हुआ है कॉलेज का। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हटिया मार्केट कवर हो रहा है। फिलहाल नीचे के मार्केट नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो पुल के नीचे है। ये पुल के नीचे से हम कवर किए थे वीडियो में, शायद आप लोग देखे होंगे। पीछे हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है। शायद गाड़ी रोक अभी धक्का लगा रहे हैं, टायर फट गया है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको नीचे ले जाने में। तो हम लोगों का ये सफ़र कैसा रहा आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा सर। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, टाइम निकालना पड़ता है बहुत कुछ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग आ चुके हैं, ओड़ा पाव के ठेला लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ओड़ा पाव बनवा के खाएंगे, भूख भी लग गई है। कितने में देते हैं भैया ओड़ा पाव? 12 रुपये। कितने में? 12 रुपये। 12 रुपये, ठीक है, बना दीजिए दो जगह। कब से यहाँ पे लगा रहे हैं आप? कब से लगा रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना, अच्छा। थोड़ा पाव का मजा लेते हैं।